सर्दी आई, मछली आई। मछली की बू कैसे दूर करें? एक चीज़ किचन से लेंगे, इस तरीके से मछली की बू बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी। मछली की बू दूर करने के लिए इसके अलावा दो टिप्स और भी हैं, वीडियो को आखिर तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि आपको पता है कि मैं मिक्स कंटेंट पर वीडियो बनाती हूँ, आज मैं आपको मछली की बू दूर करने का तरीका बताऊँगी। ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करने से पहले दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मछली को धोने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, 2 किलो फिश है तो इसके अंदर 4 से 5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल के डालेंगे, और आधा कप तकरीबन पर सिंपल आटा। गाइस, जैसे ही सर्दी आती है फिश को ख़रीदने और पकाने में लोगों का रुझान कई गुना बढ़ जाता है। पहले मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल दिया, और फिर खूब अच्छी तरह उसके ऊपर आटे को छिड़क दिया। ऊपर नीचे से अच्छी तरह आटे को छिड़क कर हाथों से खूब मिक्स कीजिए। हर पीस पर इसको अच्छी तरह लगा लीजिए। ये देखें कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसके ऊपर ऑयल और आटे को छिड़क दिया है, और इस तरह हर हर पीस के ऊपर इन दोनों चीज़ों को मलेंगे अच्छी तरह। ये देखिए, मैंने सारे ही पीसेज में इसको इस तरह अच्छी तरह लगा दिया है। ये सिंपल आटा और सरसों के तेल के अलावा भी आप सिरका और बेसन के साथ भी इसको रगड़ कर धो सकते हैं, लेकिन मैं यही यूज़ करती हूँ। आप लीमू और बेसन के साथ भी धो सकते हैं, लेकिन मुझे यही तरीका सही लगता है। और जब आप इस तरह मछली को धोकर पकाएंगे तो यकीन करें उसका टेस्ट ही दुबला हो जाएगा। तो गाइस, आप इस तरह धोकर पकाइए और मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आप कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करेंगे तो अगली वीडियो में मैं इसकी रेसिपी आपको बनाकर दिखा दूँगी। रेसिपी इंशाल्लाह इतनी लजीज होगी कि आप पकाएंगे तो दुआएं देंगे। नेक्स्ट वीडियोस मेरी इंशाल्लाह कुकिंग रेसिपीज़ होंगी। ये एक पीस मैंने तलने के लिए भी धो लिया है। अब इस तरह आप इसको रगड़ के अच्छी तरह सारे ही पीसेस को पानी से निकालते जाइए। तो आप क्या कहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियोस कुकिंग रेसिपीज़ पर बनाऊँ? पहले आप इसको थोड़ा पानी लगा कर उस थोड़े पानी के अंदर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस तरीके से और ज़्यादा अच्छी साफ़ होती है। पानी से निकालने के बाद आप देखेंगे कि ये कितनी साफ़ और शफाफ हो गई है, और जनाब इसकी बू भी बहुत दूर भाग गई है। तो आपको कैसी लगी है ये वीडियो ज़रूर बताइए, आपके बताने से मेरी हौसला अफजाई होगी। और ये थोड़े से पानी में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी सरसों के तेल और आटे को दूर कर दिया है, और ये देखिए जनाब कितनी साफ़ हो गई है। आपने आखिर तक वीडियो को देखा है तो आपका बहुत शुक्रिया। किस किस को मछली पसंद है? मुझे तो बहुत ही पसंद है, मुझे तो पकाना भी बहुत अच्छा लगता है और खाना भी। देखिए कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है। ज़िंदगी बाकी रही तो आने वाली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।